हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज बनाएंगे ब्लू करासो सिरप और फिर उससे बनाएंगे ब्लू लेगून मॉकटेल। ब्लू करासो सिरप बनाने के लिए ये दो संतरे लेंगे। ये देखिए ग्रेटर में, जो ये सबसे पतले वाला ग्रेटर होता है, इससे हमें ऑरेंज का सिर्फ ये बिल्कुल ऑरेंज वाला पार्ट ग्रेट करना है, वाइट वाला पार्ट बिल्कुल ग्रेट नहीं करना है। ये देखिए बस इतना इतना, इस तरीके से। अगर व्हाइट वाला पार्ट भी ग्रेट कर लेंगे तो हमारा सिरप कड़वा हो जाएगा। इसी तरह दोनों ऑरेंज का ये ऑरेंज वाला पार्ट ग्रेट कर लेंगे और उसके बाद दोनों संतरों का जूस निकाल लेंगे। ब्लू करासो सिरप बनाने के लिए कोई पैन ले लें, गैस को ऑन कर देंगे, 1 कप पानी डालेंगे, 1 कप चीनी डालेंगे, ये देखिए थोड़ी सी दालचीनी डालेंगे, ये जो हमने ऑरेंज का जेस्ट निकाला था ये इसमें डालेंगे, इनको मिला देंगे। बीच बीच में चलाते हुए इसमें उबाल आने देंगे। ये देखिए पानी में उबाल आ गया है। अब गैस को स्लो कर देंगे और इसको 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे। सिरप को पकते हुए 8 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर जो हमने ऑरेंज का जूस निकाला था वो डालेंगे। ये 1 कप जूस है। 2 टेबलस्पून नींबू का जूस डालेंगे और उबाल आने देंगे। ये देखिए सिरप में उबाल आ गया है। अब गैस को फिर से स्लो कर देंगे और अब इसको 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। सिरप को पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको छानेंगे। एक छन्नी ले लें, अब इसमें ब्लू फूड कलर मिलाएंगे। ये देखिए 1/4 टीस्पून मैंने ब्लू फूड कलर लिया है लिक्विड, ये इसमें डालेंगे। थोड़ा सा ब्लू कलर और ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा ब्लू करासो सिरप बनके तैयार है। अब जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा फिर इससे ब्लू लेगून मॉकटेल तैयार करेंगे। ब्लू करासो सिरप बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब एक कांच का बॉटल ले लें, इसमें सिरप को डाल देंगे। ब्लू करासो सिरप को ढक्कन लगा के फ्रिज में आप 1 से 1.5 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब इससे ब्लू लेगून मॉकटेल तैयार करेंगे। अब एक कांच का ग्लास ले लें, एक नींबू के देखिए मैंने इतने बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं, ये इसमें डालेंगे। 4-5 पुदीने के पत्ते हाथ से क्रश करके डालेंगे। अब इनको थोड़ा सा क्रश करेंगे जिससे नींबू से थोड़ा थोड़ा जूस निकल जाए। अगर इस तरह का आपके पास नहीं है तो आप बेलन के हैंडल से भी कर सकते हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून ब्लू करासो सिरप डालेंगे। ग्लास को ये देखिए इधर तक बर्फ से भर देंगे। अब इसके अंदर चिल्ड सोडा डालेंगे, स्ट्रेरर से इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए रेस्टोरेंट के मेन्यू की सबसे फेवरेट ब्लू लेगून मॉकटेल बनके तैयार है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव कमेंट करके शेयर कीजिएगा। इसको प्यार से बनाइए, प्यार से पिलाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।